कुछ नया लेके आए हैं। हमने सोचा क्यों ना हम हमारी बालकनी का मेकओवर करें। इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम घर की ही कुछ छोटी मोटी चीजों से और बाजार की लाई हुई छोटी मोटी चीजों से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं और हमारी बालकनी को सुंदर से सजाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बनाया है वो है ये ग्लास बॉटल, जिसको हमने डेकोरेट किया है जूट थ्रेड से। आप देख सकते हैं ये फ्लोरल जूट थ्रेड से। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे सिर्फ दो चीजों से इतनी सुंदर सी बॉटल को डेकोरेट कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए सिया? एक एम्प्टी ग्लास बॉटल और फेविकॉल। आप कोशिश करना कि आपको ये छोटा फेविकॉल आप लीजिए, कोई भी आप ग्लू ले सकते हैं एडहेसिव, लेकिन जिसका जो ये टॉप हो वो जो थोड़ा थिन होना चाहिए, लाइक मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर करोगे तो हो सकता है आपका फेविकॉल पूरी ग्लास बॉटल पे स्प्रेड हो जाए। और ये ऐसी कलरफुल जूट थ्रेड्स जो मैंने Amazon से ऑर्डर करी है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके देख सकते हैं और लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और आपको और भी अच्छी अच्छी कलरफुल और थ्रेड्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको जूट की थ्रेड ही चाहिए। और हाँ, हमने ना ये पेपर बिछा लिया है नीचे टेबल के ऊपर, ताकि जो हमारी टेबल है वो गंदी ना हो। तो आप भी ध्यान रखें कि कुछ भी आप ऐसा करें DIY वगैरह, तो आप ज़रूर कुछ नीचे बिछा लें, कवर कर लें सरफेस को, ताकि वो गंदा ना हो। तो शुरू करें सिया? हाँ, चलो शुरू करें। मैंने ऐसे ही एक ग्लास बॉटल पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है स्केच पेन से, ताकि सिया को आसानी हो इसके ऊपर ग्लू लगाने में और उसे एक वे मिल सके और हम लोग हमारी बॉटल को अच्छे से डेकोरेट कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। चलो सिया, तुम्हें कौन सा कलर चाहिए? येलो। ओके, चलो हम येलो करते हैं। चलो शुरू करें। चलो तैयार है। और इस पे हमने एक नॉट भी लगा लिया है। नॉट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम हमारी बॉटल को बालकनी में हैंग करने वाले हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। आप इसे टीवी यूनिट पे, फ्रिज पे, बालकनी में, पॉट के पास या कहीं भी जहां भी आपको सूटेबल लगे वहां पे आप इसे नॉर्मली भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हो गई है हमारी बॉटल्स तैयार। ये दो हमने ऑलरेडी करके रखी थी और इसका हमने आपको दिखाई दिया है कैसे करना है। अब आप इन बॉटल्स के अंदर आप चाहें तो पानी भर के इसमें मनी प्लांट लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, स्टोन्स डाल सकते हैं, या इसको खाली ऐसे भी रख सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन हम लोग इसके अंदर ये लाइट्स डालेंगे जो मैंने Amazon से ही मंगवाई हैं और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं ये लाइट्स डाल के आपको फिर दिखाऊंगी कि हमारी ये बॉटल कैसी लगेगी लाइट्स डालने के बाद। और एक चीज़ और, एक छोटा सा हैक है, अगर आपकी बॉटल में फेविकॉल फैल जाता है और बॉटल थोड़ी सी मैसी हो जाती है, तो उसके लिए एक छोटा सा हैक मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपके घर पे मोस्टली अवेलेबल होती है, वो होता है नेल पेंट रिमूवर या थिनर, अगर आपके पास में है तो। आप उसे अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आप इसे कॉटन में ले सकते हैं। मेरे पास में ये वाइप्स हैं, नेल पॉलिश रिमूविंग वाइप्स। तो आप क्या करेंगे, जो थोड़ा सा थिनर है या आपकी नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स हैं, उसको आप लेके और जहाँ जहाँ आपका फेविकॉल है वहाँ से आप उसे इस तरह से रब कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका एक्स्ट्रा फेविकॉल होगा वो सारा निकल जाएगा और आपके बॉटल पे एक अलग ही शाइन आएगी। और उसके बाद में आप इसे अच्छे से रिमूव करने के बाद में किसी भी कपड़े से आप इसे वाइप कर सकते हैं, अच्छे सूखे कपड़े से, और आपकी बॉटल एकदम
न्यू एंड शाइनी हो जाएगी। और अब मैं आपको इसमें ये लाइट्स डाल के दिखाऊंगी कि ये लाइट्स कैसी लगेंगी इन बॉटल्स के अंदर। और अब मैं इसे करके दिखाऊंगी, लाइट्स को करके दिखाऊंगी आपको स्टार्ट। और ये देखिए हमारी बॉटल तैयार है। हमने लिया है एक ही स्पेयर टायर जो जंक में ऐसे ही पड़ा हुआ था, और ये हमने लिया स्प्रे पेंट येलो और रेड कलर का, जो आपके आपको किसी भी पेंट शॉप पे मिल जाएगा इजीली। हमने लिया है ग्लव्स एंड मास्क, क्योंकि जो स्प्रे पेंट है उसका जो स्मेल है वो आपके नोज में जाएगा तो काफ़ी इरिटेशन हो सकती है, एंड ग्लव्स आपके हाथों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा थर्ड DIY। ये हमने एक जूट बॉल बनाया है। इसका अगर आपको देखना है प्रेपरेशन हमने कैसे किया है, तो आप हमारे दूसरे वीडियो सिया के जो रूम मेकओवर का वीडियो है उसका लिंक हमने ऑलरेडी डाल दिया है, उस पर जाके आप ये देख सकते हैं। सिया ने बताया है इसको प्रिपेयर करने का तरीका। उसमें हमने लेकिन वुल यूज़ किया था, और हमने नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद में वो जो वुल है वो बहुत ही ज़्यादा स्लॉगी हो गया और वो ज़्यादा स्टर्डी भी नहीं था। तो हमने सोचा इस बार क्यों ना हम वुल की जगह नॉर्मल जूट थ्रेड का यूज़ करें, और हमने इसको थोड़ा जूट थ्रेड से बनाया। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा स्टर्डी भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, और इसके ऊपर हमने फिर स्प्रे पेंट कर दिया है रेड कलर का, जिसकी वजह से इसको थोड़ा शाइन भी आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको हमारा बालकनी मेकओवर से पहले ये DIY वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। और हमारा बालकनी मेकओवर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है और वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, और उस वीडियो को डेफिनेटली मिस मत करना। बाय बाय। लिया है एक खाली ग्लास बॉटल, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, रात के 2 बजे तक बैठ के और सुबह का सर दर्द भी लिया उसके के लिए। हमें क्या चाहिए सिया? एक लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।